दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर केयर से आप डायरेक्ट बात कैसे कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना और कंप्लीट वॉच करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं पर्सनल बैंकिंग 24/7, ठीक है, 24 घंटे ये नंबर चलते हैं। पहला नंबर है 1857, दूसरा नंबर है 1800, और यहाँ पे एक और है जो मोबाइल नंबर के थ्रू जैसा दिखता है, आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे 7966296009, ठीक है। इन तीनों में से आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं कस्टमर केयर से बात करने के लिए। तीनों नंबर वर्किंग कंडीशन में है, तीनों चालू है। उसके नीचे चल सकते हैं तो यहाँ पे मिस कॉल सर्विसेज दी गई है। तो यहाँ पे ये जो नंबर आप देख रहे हैं बैलेंस इंक्वायरी के लिए, अगर आप अपने खाते का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मिस कॉल करेंगे 8468000 वाले पे, ठीक है। मिनी स्टेटमेंट के लिए आप नीचे नंबर देख सकते हैं 8468000112, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्री टोल फ्री नंबर नीचे दिया गया है CKYC से रिलेटेड 7799 वाला, ठीक है। उसके जस्ट नीचे चल सकते हैं तो यहाँ पे आता है PM जनधन योजना एंड अदर FI स्कीम्स, इससे रिलेटेड आप 1800102 वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बात करने की कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं, तो चलिए आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। तो इनमें से कोई भी एक नंबर आपको ले लेना है। सिंपली मैं यहाँ पे एक नीचे वाला नंबर ले लेता हूँ। वैसे तो तीनों नंबर वर्किंग कंडीशन में है, अगर कोई सा बिजी आ जाता है तो आप दूसरे पे ट्राई कर लेना, और इन नंबर पे यहाँ जो ये नंबर्स हैं इनको ध्यान से देख लेना, ठीक है, सेव कर लेना। तो यहाँ पे मैं कॉल पे क्लिक करता हूँ, नंबर आ चुका है और यहाँ पे मैंने कॉल भी लगा दिया है। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेट करने के लिए बोल रहा है कि हिंदी के लिए एक दबाएं, तो आपको पहले एक दबाना है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया है एक दबा के। आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इजी स्टेप्स में आपकी बात हो जाएगी। तो इसने हमसे बोला है कि बैंकिंग से रिलेटेड सेवाओं के लिए दो दबाएं, तो आपको यहाँ पे आप दो दबाना होगा। तो जैसे आपने दो दबाया तो ये बोल रही है कि 14 अंकों का अपना अकाउंट नंबर दर्ज करें, तो आपको अकाउंट नंबर दर्ज नहीं करना, ऐसा ये 2 से 3 बार बोल सकती है, उसके बाद आपकी डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करा देगी। तो सिंपली थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। पुनः प्रयास करें, कृपया अपनी 14 अंकों की खाता संख्या दर्ज करें। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी अपना अकाउंट नंबर नहीं डालना, अब ये एक बार और बोलेगी, उसके बाद डायरेक्ट आपकी कॉल कस्टमर केयर को लग जाएगी। आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। माफ कीजिए, हमें आपकी ओर से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, कृपया पुनः प्रयास करें, कृपया अपनी 14 अंकों की खाता संख्या दर्ज करें। अब ये जो है हमारी डायरेक्ट कस्टमर केयर के पास कॉल लगा देगी, लेकिन मुझे बात नहीं करनी तो मैं कॉल कट कर दूंगा। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपकी कॉल को हमारे सहयोगी को स्थानांतरित कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो हमारी कॉल थी कस्टमर केयर के पास, इन्हें ट्रांसफर कर दी थी, अब हमारी बात हो जाती, बट मुझे कॉल नहीं करनी, ना ही मुझे कुछ बात करनी, क्योंकि मैं कॉल करता तो फिर मुझे कुछ रीजन भी बताना पड़ता, बट मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो जाइए आप भी बड़ी आसानी से जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी आप कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।